गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023 हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी को, और उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिरसा मुंडा पार्क का जो है ब्लॉग लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है बिरसा मुंडा पार्क में बहुत लोगों की ऐसा सोचना रहता है कि वहाँ पर जाएंगे तो कितना जो है टिकट चार्ज है, क्या है नहीं है, फिर कैमरा अंदर ले जाना है कि नहीं ले जाना है, वहाँ पर अंदर फोटो खींच देगा कि नहीं देगा, और कैसा है अंदर में, क्या क्या चीज़ है नहीं है। तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, यानी कि एंट्री, यानी कि आपको जो है बिरसा मुंडा पार्क के अंदर प्रवेश करने के पहले ये सब जो है आप देख सकते हैं। बाहर का नज़ारा है कुछ बिरसा मुंडा पार्क धनबाद में। यहाँ पर गाड़ी लगाने की व्यवस्था है आपको, और बाहर में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी सामान जो है बिक रहा है आप उसको ले सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। अभी मैं अंदर का भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ मैं सबसे पहले दिखाने वाली हूँ टिकट। जी हाँ, टिकट सिस्टम है यहाँ पर, और टिकट जो है आपको पहले टिकट लेना है, और फिर एंट्री जो है गेट है, फिर एग्जिट है माने अंदर घुसने का और बाहर निकलने का अलग अलग है, किसी को परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इधर जो है आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, यानी कि राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में जो है ये टिकट का व्यवस्था जो है काउंटर दिया गया है, यानी कि महिला अलग है और पुरुष की भी अलग व्यवस्था है। देखिए मैं यहाँ पर लाइन में लग गई हूँ, यानी कि मैं जा रही हूँ अंदर में टिकट लेने के लिए, और इस तरीके से कुछ आपको अंदर में टिकट लेना है। सामने आपको वो दिख ही रहा होगा बिरसा मुंडा पार्क का यहाँ सब लिखा हुआ है। प्रवेश शुल्क जो है 25 रुपया है एक व्यक्ति का, और 5 साल अगर बच्चे हैं तो उनका भी यहाँ पर टिकट नहीं देगा, यानी 5 साल तक छोटे बच्चे हैं तो टिकट नहीं लगेगा, और 5 साल के बच्चे हैं तो उनका भी 25 रुपया ही लगेगा। और भी कैमरा वगैरह जो है अगर आप अंदर ले जाने चाहते हैं तो उसमें जो है शुल्क जो है लगा हुआ है 100-200 रुपया, यानी कैमरा का शुल्क देख रहे हैं सामने आप, स्क्रीन जो है बड़े करके आप, यानी कि स्क्रीन करके आप देख सकते हैं इसमें कितना लग रहा है नहीं लग रहा है, और यहाँ पर शुल्क दिखा रहा है 200 रुपये कैमरा का। इस तरीके से मैंने टिकट ले लिया है, और यहाँ देख सकते हैं कि हमने 2 टिकट लिया है, 2 टिकट हमें 50 रुपया दिया है, 1 टिकट का 25 रुपये। इस तरीके से पहले टिकट लेना है, फिर आपको जो है चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं। और ये मेरा बैग में जो है दिख रहा है, ये न्यू ईयर पार्टी में हमारे हस्बैंड साहब ने ये मुझे प्रेजेंट किया है, बुके यानी कि फ्लावर का बुके जो है वो मुझे प्रेजेंट किया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसे बैग में लेके आई हूँ अंदर सेल्फी फ़ोटो लेने वाली हूँ। आपके साथ एक बैग जरूर लाएँ, और यहाँ पीछे देख रहे हैं संध्या 6 बजे तक ही रहता है ये, मतलब कि पार्क जो है शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है, और 6 बजे के बाद पार्क बंद हो जाता है। आप दूर से आते हैं तो आपको सुबह में आना अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं टिकट दिखा रही हूँ, तब मुझे अंदर जो है प्रवेश करने को मिल रहा है, और अब मैं आ गई हूँ अंदर। ये है बिरसा मुंडा पार्क का अंदर का नज़ारा, और ये जो है ब्लॉग, हाँ यहाँ देखिए यहाँ झूला, इस तरीके से आप झूला झूले अंदर आए तो बहुत ही अच्छा लगता है झूला झूले इस तरीके से। और भी दिखाऊँगी, यानी कि चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अच्छा सुखी व्यू है। यहाँ पर लोग जो है पिकनिक मनाने भी आए हैं, कुछ लोग अपने साथ जो है चादर चटाई झूला में अपना जो खाना चाय सब कुछ अपना है, और फिर यहाँ पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, पूरा फैमिली के साथ आए हुए हैं। और ये बड़ा सा एकदम पार्क है देख रहे हैं, और यहाँ पर एक जो है ड्रम वाला जो है गाड़ी होता है वो चल रहा है, और यहाँ थोड़ा भीम है सामने एकदम फर्स्ट में ही आपको छोटा भीम जो है दिखे वो चल रहा है गाड़ी, और छोटा भीम इसी साइड में वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, और ये जो है गेट है यहाँ पर पहुँचना। ओ वाह, सब कुछ आपको हवाने वाला उतार ही है, हवा उड़ना है तो फिर आप यहाँ पर आइए और हवा उठिए, हमें जैसा मैं बता दूँ मार लें एक बार, और वाह कितना अच्छा लग रहा है एकदम। दुर्गा पूजा और काली पूजा का मेला जो है उससे बड़ा मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए इसमें भी आप चल सकते हैं घोड़ा पर, इस
इसका पेट का हवा और फिर आप जो है इंजॉय कीजिए। आप इतने घूमिए चढ़िए और यहाँ देख रहे हैं जगह जगह पर लोग जो है अपना कुछ बना रहे हैं बैठे हुए हैं। ये नीचे में आपको जाना होगा शरीर से कि यहाँ पर जो है पूरा व्यवस्था है बच्चों को खेलने के लिए यानी कि मेला लगा हुआ है। और आप अगर घुसिएगा तो वहाँ आपको लय कुछ नहीं है, अंदर आपको थोड़ा अंदर आना होगा तभी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और आज का मौसम जो है बहुत ही मतलब ख़राब है। ख़राब मतलब क्या, बदल छाया हुआ है, बादल आसमान में पूरा बादल छाया हुआ है और वैसा कोहरा छाया हुआ है। इसीलिए जो है वीडियो मैं बना रही हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा ही वीडियो बना हुआ है। और यहाँ पर मैं आज जो है लाइव स्ट्रीम भी की हूँ तो लाइव स्ट्रीम में अच्छा जो है धुंधला जो है आया हुआ है, ठीक से आ नहीं पाया है। तो आप जो है कभी अगर धनबाद आते हैं तो धनबाद बिरसा मुंडा पार्क का नज़ारा और यहाँ का मज़ा जो है ज़रूर लेके जाइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ब्लॉग जो है हमारा अच्छा लगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट करके, ताकि मैं इससे अच्छा आपको बिरसा मुंडा पार्क का एक बड़ा मतलब ब्लॉग बना के दिखाऊँ ताकि उसमें सब कुछ रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो है सेल्फ़ी लिया है, फ़ोटो खिंचाया है। इस तरीके से आप ही आएँ और सेल्फ़ी और फ़ोटो जो है ले के यहाँ कुछ यादें कुछ पल अपने साथ यहाँ से आप ले आ सकते हैं, जो कि आप जो है बाद में से जो है खोल के देख सकते हैं कुछ देख रहे हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारा जो है फ़ोटोशूट करवाया है। और तो फिर क्या, फिर लक्ष्मी इसी तरीके के आप लोगों को नए साल में जो है ब्लॉग और वीडियो और शॉर्ट वीडियो, हाँ शॉर्ट वीडियो की बात करूँ तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोग साथ जो है कुछ किचन टिप्स भी लेके आने वाली हूँ और बहुत यूजफुल किचन टिप्स रहेगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और ऑल का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँचे। और हमारी अगर जो है वीडियो और ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी जो लोग बिरसा मुंडा पार्क आएँ वो पूरी तैयारी के साथ आएँ। और तो फिर मिलते हैं किसी और भी वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।